एक प्रोसेस है जो चल रहा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए, इसका कमाल क्या था? इसका कमाल यह होता है कि इसमें सत्ता तो जानती है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने दिया है, सत्ता को यह मालूम हो जाता है क्योंकि उसी की है पूरी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में अगर आप देते हैं, लेकिन ये बात किसी अन्य को नहीं पता चलती। आप उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स उद्योगपति खरीदता है, कितने करोड़ का, कितने अरब का खरीदा, ये बात किसी को अन्य को नहीं पता चल, सिर्फ सरकार को पता चलती है। तो आप जरा दूसरे को देख देखिए, उसी दिन ईडी का छापा पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप हमें देते हैं तो मुंबई एयरपोर्ट मिल जाएगा, ये इसका प्लस पॉइंट है। तो आप इसी सारी चीजों को देखिए, और सारी चीजों को देखेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा, ये हिटलर की किताब है मैन कैम्प, इसका एक बड़ा मशहूर कोट है। आज मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि आपके व्यूवर्स को बताने की जरूरत है, एग्जैक्टली जो हिटलर ने कहा था, वो कहा था दूसरे के बारे में, बुर्जुआस के बारे में कहा था कि ये मीडिया को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इन सबसे पहले मीडिया कंट्रोल करो, ये हिटलर ने कहा था। दरअसल नया जो हिटलर है उसने ये करके दिखा दिया। आप जरा देखिए ये सेंटेंस क्या है। ये सेंटेंस शुरू होता है, वंस दिस इंस्ट्रूमेंट, ये मीडिया को कहा है, वंस दिस इंस्ट्रूमेंट विच शेप्स पब्लिक ओपिनियन इज ब्रॉट अंडर स्टेट कंट्रोल एंड नो लॉन्गर लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ एलियन एंड एनिमीज ऑफ द पीपुल, आई एम सर्टेन दैट दिस विल बी इजियर फॉर अस देन इट इज फॉर अवर फादर्स। ये उसने कहा है कि मीडिया को पहले कंट्रोल करो। आज हमने मीडिया को कंट्रोल कर लिया है, एक केचुआ बना वो घूम रहा है। और मीडिया को क्यों कंट्रोल किया है, कौन सी संस्था है जिसको हमने नहीं कंट्रोल किया है? तो आप एक देखेंगे इसमें एक सीक्वेंस मिलेगा, रिच पुअर डिवाइड बढ़ेगा, इस ये इकोनॉमिक मॉडल ही ऐसा होगा जिसमें रिच पुअर डिवाइड बढ़ता जाएगा। लेकिन इतना हैवी डोज रिलीजियोसिटी का रहेगा, राम मंदिर का रहेगा, बड़ा भव्य राम मंदिर बनेगा, हर तीसरे दिन कहीं से एक पत्थर लाया जाएगा और पूरी मीडिया उस पत्थर को दिखाएगी, अडानी के केस को नहीं दिखाएगी, किसी बाबा का शेयर गिर रहा है जो बाबा का कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो गया है, सबसे ताकतवर है, वो योगा दिखा के पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, उसके शेयर गिरे हैं, ये बात नहीं बताई जाएगी क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट देता है। तो ये पूरा हमारे सोच के स्तर को ये खत्म किया जा रहा है। मुझे चिंता इसकी नहीं है कि आज हम लोग, हमारी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं होगी, लेकिन ये जो सिस्टम डिरेल हुआ है और इसमें जो लोग बैठेंगे आने वाले दिनों में, वो आपको सांस नहीं लेने देंगे, आज खतरा इसका है। ये जो कह रहे कॉरपोरेट प्राइवेट प्राइम मिनिस्टर, दरअसल वो प्राइवेट है, वो राजा है, लेकिन उसने इस तरह डेमोक्रेटिक फसाड में आके, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट में आके, उसने आपको इतना भ्रमित कर दिया है कि आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि आप भक्त बने। हो सकता है कि हमें मारे कि तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि आप उस नशे में हैं और नशे में आपको समझ में नहीं आता है, आप चालाकियां करते हैं। आप जरा सोचिए उस आदमी को, आज अखबार है, यहां आपने देखा होगा एक फिगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आई, किसी और की नहीं है, अगर उसको गौर से पढ़ें, क्योंकि मीडिया दबाती है, लेकिन वो फिगर आ चुकी है, कुछ अखबारों में ही आई है, बाकी जगह किनारे है। आप उस फिगर को देखें, सारे हमारे प्रोजेक्ट्स लेट हो रहे हैं, डिलेड हो रहे हैं, सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स को छोड़ के। वो प्रोजेक्ट्स डिले होने की वजह से 3.5 लाख करोड़ रुपए का कॉस्ट ओवर एस्टिमेट हो गया है, जो कॉस्ट एस्केलेशन हो जाता है जब डिले होता है प्रोजेक्ट, तो जो आप बजट लेके चलते हैं, महंगाई बढ़ती है, लिहाजा वो प्रोजेक्ट का प्राइस बढ़ जाए, कॉस्ट बढ़ जाती है। 3.5 लाख करोड़, आप जानते हैं, आपने अपनी सारी सब्सिडीज खत्म कर दी हैं जो रूरल इंडिया को मिलनी थी, आपने फर्टिलाइजर सब्सिडी कम कर दिया, आपने फूड सब्सिडी कम कर दिया, आपने कौन सी सब्सिडी, मनरेगा का कम कर दिया,
क्या रूरल इंडिया में वो कराहेगा अभी? और तब आप उसको मजबूर करेंगे कि वो शहर में आके एक्सप्लॉयट हो, क्योंकि आपके पास शहर में उनका डाटा नहीं है। आप कल्याणकारी कार्य उसके लिए करने का वादा किया था कोरोना में कि अब जब वो आएंगे भाई अब की बार, तो उनकी मैपिंग होगी, उनको फ्री मकान भी दिया जाएगा। कहाँ गए वो मकान? उनका तो अभी आंकड़ा ही आपके पास नहीं आया है। तो एक फ्रॉड हो रहा है गवर्नेंस के नाम पे। मैं इसको अक्सर कहता हूं मदारी गवर्नेंस। मदारी गवर्नेंस ये होता है, मैंने शायद पहले भी आपसे कहा था, चौराहे का मदारी आपने देखा होगा बचपने में, आपको याद होगा। आजकल तो खैर मॉडर्न हो गए हैं सब कुछ। पहले एक मदारी होता था, वो वहां पे जहां फैक्ट्री होती थी या पब्लिक मूवमेंट ज्यादा होता था, उसके नुक्कड़ के किनारे एक डंडा गाड़ देता था, एक 12 साल का बच्चा रखता था, तो डमरू बजा के वो घूमता था और थोड़ी देर में पब्लिक भीड़ उत्सुकता से आके खड़ी हो जाती थी। वो फिर बच्चे से पूछता था जबूरे करतब क्यों दिखाता है, तो वो बेचारा अपना बनियाइन फटी हुई पहनता था, वो बच्चा 12 साल का, वो बनियाइन ऊपर उठाता था, कहता था कि पापी पेट के वास्ते। ये इमोशनल कॉर्ड था जो झंकृत करता था, वो उस पब्लिक की भावनाओं को धीरे से झंकृत करता था कि पापी पेट के वास्ते, ताकि इमोशंस आ जाए। फिर वो एक बार चक्कर लगाता था और अब की बार देखता था कि इसमें मजदूर ज्यादा है या क्लरिकल स्टाफ ज्यादा है, थोड़ा जैसे इंटर पास बीए पास लोग हैं या मजदूर हैं। अगर वो इंटर बीए पास क्लरिकल स्टाफ है जो छुट्टी के बाद आया है ऐसे ही फल के लिए खड़ा हो गया है, तो वो गैस और खट्टी डकारों की दवा बेचने लगता था। लेकिन अगर वो मजदूर वर्ग देखता था तो वो कामोत्तेजक दवा बेचने लगता था। जैसे ही देखा कि ज्यादा मजदूर वर्ग है तो वो सिलाजीत बेचने लगता था। हमारा आज का जो हुकूमत है वो यही करता है, वो देख लेता है कि पब्लिक को अच्छा क्या लग रहा है। अगर वो मंदिर में खुश है, अगर ठाकुर साहब पंडित जी, जब हम ये कह देते हैं कि नहीं साहब कहीं कहीं कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन ये है कि जब हाथरस होता है तो उस बेचारे मुस्लिम जर्नलिस्ट को पकड़ लिया जाता है और उसको यूएपीए में डाल दिया जाता है, देशद्रोह कर चुका होता है ताकि उसकी खबर न दिखाए वो। लेकिन जिसने किया है उस पे कोई आरोप नहीं, बल्कि रातों रात कलेक्टर साहब जाके लाश को दफना देते हैं परिवार की मर्जी के खिलाफ। तो आप इसको गौर से सोचें। मैं किसी भी बायस उसे नहीं कह रहा हूं, ये गौर से सोचे कि क्या ये वाकई डेमोक्रेसी है, और तब आपके समझ में आएगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है। ये डेमोक्रेसी तो छोड़िए, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि किस तरह से डेमोक्रेसी को खत्म किया गया था। आपको एक और बताएं, इस पे एक असेसमेंट है, द शेयर ऑफ सुपर रिच इन इलेक्टोरल कंट्रीब्यूशन went up from 15% in 1980s to 40% in 2016. जो सुपर रिच था, सुपर रिच कौन होता है? एक इनकम टैक्स का स्लैब होता है और उस स्लैब में 100 करोड़ से जो ऊपर होता है वो सुपर रिच होता है, इनकम टैक्स में जो होता है जिसका टैक्स इससे ऊपर होता है, तो आप समझ सकते हैं। तो पिछले 20-25 सालों में ये 40% हो गया है। इसी काल में आप ताजुब करेंगे कि जो गरीब था वो 50% जो हुआ करता था वो बढ़के ज्यादा हो गया है, करीब 70% हो गया, ये अमेरिका की बात है, हो गया है। अब इसमें होता क्या है कि सुपर रिच पे अगर आप टैक्स लगाएंगे तो आपको काफी पैसे गरीबों के कल्याण के लिए मिलेंगे ताकि इनइक्वालिटी कुछ कम हो, लेकिन सुपर रिच पे आप वो चार्ज नहीं लगाएंगे। सुपर रिच पे इसलिए कि मार्केट सेंटीमेंट खराब होगा। आप जरा गौर कीजिएगा, ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, कितना बढ़िया नारा है सुनने में, लेकिन सुपर रिच पे टैक्स इसलिए नहीं लगाएगी और सुपर रिच को वो सुविधाएं देती रहेगी और किसी अंबानी अडानी को वो एक वहां पहुंचा देगी जहां वो पूरे तंत्र को कंट्रोल करेगा और साथ होगा
सत्ता का, जो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं। तो इसके इस पे एक रिसर्च था बहुत अच्छा, उसमें कहा गया था कि नहीं, ये डेमोक्रेसी जो है ये वन मैन वन वोट की नहीं है, ये दरअसल $1 1 वोट की है। ये काफी पहले का रिसर्च है। आज हमें यही हो रहा है कि पूंजी के दम पे हम उनके मत लेते हैं, कहने को हम पार्लियामेंट में 354 है, 354 है तो 2/3 बहुमत है, लिहाजा हम कुछ भी कर सकते हैं, संविधान बदल सकते हैं। और यही जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं तुम बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलोगे, कहते देखो कितना बदतमीज आदमी है ये, सुप्रीम कोर्ट कितना नालायक है, चीख चीख के आपका वाइस प्रेसिडेंट कंट्री का कहता है, जिसको नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो चेयरमैन है अपर हाउस का, हमारे एल्डर्स चैम्बर का, जिसको अपर चैम्बर कहते हैं, उसका वो चेयरपर्सन है, और वो भी दिन रात पानी पी पी के इसको कह रहा। बताइए साहब, कौन सी डेमोक्रेसी होगी जहां पे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं साहब, आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जब तक ये बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा डेमोक्रेसी नहीं हो, ये वो वाइस प्रेसिडेंट कहता है। आप जरा सोचिए कितनी हास्यास्पद होगी ये बात कि बेसिक स्ट्रक्चर में हमने जो कुछ बातें कही है, जिसमें सेक्युलरिज्म भी है, तमाम कुछ ऐसी चीजें हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, उसको वो कह रहा है कि जब तक ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, प्रजातंत्र रहे, क्योंकि प्रजातंत्र तो जनता का है। अब जरा आप सोचिए कितना कुतर्क है कि फुटबॉल मैच हो रहा है, फुटबॉल मैच में एक गोल हुआ, लेकिन उसके पहले किसी के हाथ से वो लग चुका था बॉल, रेफरी ने उसे गोल नहीं माना, लेकिन पूरी जनता जो थी, बहुमत, उस बहुमत ने कहा नहीं, गोल हो गया, तो क्या हम इसे जनता का मत मान के हम मान लेंगे और रेफरी को काट देंगे कि नहीं देखो बहुमत क्या कह रहा है। कुछ जैसे जुडिशियरी है, ये बहुमत से नहीं चलती है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल कभी पहले आपने देखा होगा कि आपका लॉ मिनिस्टर कह रहा है कि बताइए साहब, प्रजातंत्र में जनता की आवाज, बहुमत ही सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन जुडिशियरी ये भी नहीं मान रही है, क्या करें, फुटबॉल मैच में गोल किधर होगा ये बहुमत से डिसाइड होगा। लेकिन हमने जुडिशियरी को भी बकरी बनाने की कोशिश की, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में इशू ये नहीं कि प्रजातंत्र गया, ये तो खत्म हो गया, इशू ये है कि खत्म कैसे हुआ, ये अगले 100 साल हमारे अध्ययन का, हमारे जो पीढ़ियां आएंगी उसके अध्ययन का रहा, कितना बड़ा फ्रॉड हुआ था कि प्रजातंत्र के आवरण में रह के हमने एक अधिनायकवाद, पूंजी का वर्चस्व कैसे कायम होता है, और दुनिया में इसका उदाहरण नहीं मिलेगा, जो आज हमारे देश में कर रहे हैं, मोदी शासन में हो रहा है, इसका उदाहरण मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में अभी आने वाले 100 साल तक कोई नेता दे पाएगा। हमारा खतरा ये है, इशू ये नहीं कि प्राइवेट प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी हो चुका है, वो डेमोक्रेसी के गर्भ में एक डिक्टेटोरियल सिस्टम है, वो मदारी गवर्नमेंट है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमारी चिंता दूसरी है, क्या हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इतने त्रासदी के बाद हमारी गलती क्या है, हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें गलती क्या है, जिसकी वजह से वो पेट पकड़ के भूखों करा रहा है लेकिन जय श्री राम कर रहा है। गलती हमारी है कि हम उसको समझा नहीं पा रहे हैं, शायद हमारा तरीका हमें बदलना पड़ेगा।